ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ ਪੈਣੇ, ਗੋਲਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਛਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੰਡ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ 3,000 ਰੀਆਂ 10 ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਪਣ ਗਈਆਂ, ਦਰਾ ਵੀ ਕੱਪਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਬੜਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਪੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਰਾਤੀ ਵੀ। ਬਸ ਜੀ ਆਪ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮੇ ਤੋ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਮੇ ਥੇ तो अचानक जब गोलाबारी शुरू हुई तो फिर सब भागने लगे आगे पीछे, तो बस अंधाधुंध गोलाबारी शुरू हुई जी। तो फिर बड़ा मुश्किल, मालिक ने बचाया, बस हमारे बचने का कोई चांस नहीं था। बहुत खौफ होता है, बच्चे डर जाते हैं। तो अब यह है कि हमारे बच्चे स्कूलों में कई कई दिन नहीं जा सकते, तो जो भी जब गोलाबारी होती है ये डर खौफ रास होता है ज़बरदस्त। तो माल मवेशी को दौड़ता है, माल मवेशी को बांधने के लिए अब गोलाबारी उस तरह में खतरा ये होता है कि मतलब बहुत खतरा होता है। तो बाकी जो कम्युनिटी बैंकर हैं वो दिए थे 10-15, तो वो भी अनकम्प्लीट हैं। इस समय एक्सेलसर की टीम पसूनी गांव में है। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि कल जब पाकिस्तान ने इन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, उसके बाद लोगों का यहां पे भारी नुकसान हुआ है। हम एक घर में मौजूद हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये छत फाड़ के 120 mm का मोर्टार जो है यहाँ से यहाँ पर दागा गया, जिसके बाद यहाँ पे जो अंदर बैठे हुए थे यहाँ पे लोग, वो बाल बाल बचे। और कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि एकदम से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेलिंग शुरू होगी, और हमने अपनी किसी तरीके से जान बचाई। और ये इलाका जो है, ये जो गांव है बसुनी गांव, ये बिल्कुल मेंढर के डराना के साथ लगता है। और ये पूरा इलाका जो है ये हमेशा पाकिस्तान की गोलाबारी की चपेट में रहता है। अगर इससे पहले बात करें तो कई बार इस इलाके को जो है वो निशाना बनाया गया, लेकिन लोगों की यहाँ पे साफ तौर पर मांग है कि यहाँ पर 12 से 15 बंकर जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो भी बंकर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उनका काम जो है वो आधा अधूरा है। लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, एक्सेलसर न्यूज, LOC।